हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट क्वालिफायर्स। मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आज हम प्लेटो की लाइफ के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ही वॉज एन ग्रीक फिलोसोफर। ही वॉज बॉर्न इन 428 BCE। BCE स्टैंड फॉर बिफोर कॉमन एरा इन एथेंस ग्रीस। एंड ही डाइड इन 348 BCE ग्रीस एथेंस ओनली। ये जो पार्ट है, यहाँ ग्रीस का जो पार्ट है एथेंस, यहाँ पे प्लेटो का बर्थ हुआ था और डेथ भी यहीं हुई थी उनकी। कुछ फिलोसोफर का ये मानना था कि प्लेटो का नाम उनके ग्रैंडफादर अरिस्टोटल के नाम पर रखा गया है। ग्रीस में एक ट्रेडिशन था कि जो सबसे बड़ा लड़का होगा, उस ग्रैंडसन कह सकते हैं आप, उसका नाम उसके ग्रैंडफादर के नाम से मिलता जुलता रखा जाएगा या एग्जैक्ट नेम भी रखा जा सकता है। तो इसका कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं था कि प्लेटो ही एल्डेस्ट सन थे फैमिली के। कुछ हिस्टोरियंस ये भी क्लेम करते हैं कि प्लेटो एक निकनेम था उन लोगों के लिए जिनकी फिजिकल बिल्ड बहुत स्ट्रॉन्ग और बल्कि हुआ करती थी। कुछ हिस्टोरियंस ये भी क्लेम करते हैं कि प्लेटो नाम एरिस्टोटल के पैदा होने से पहले भी कुछ लड़कों का नाम रखा जाता था। जो बॉय होते थे उनका नाम प्लेटो रखा जाता था। तो प्लेटो के फादर की डेथ हो गई थी जब वे बहुत ही कम उम्र के थे और उनकी मदर ने दूसरी शादी की उनके अंकल प्रिलेम्पीस से, जो कि एक ग्रीक पॉलिटिशियन और एम्बेसडर टू पर्सिया थे। ये उस टाइम में ये होना बहुत ही बड़ी बात है खुद में ही। प्लेटो के दो भाई और एक सिस्टर थी और ये कहना मुश्किल है कि प्लेटो को कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं इस बर्थ ऑर्डर में। ये पता लगाना आज तक किसी बुक में या किसी भी उस चीज़ में गिवन नहीं है कि वो कौन सी बर्थ ऑर्डर में स्टैंड किया करते थे। प्लेटो ने अपनी राइटिंग्स में जस्टिस, ब्यूटी एंड इक्वलिटी को बहुत हाईलाइट किया है और उन्होंने एस्थेटिक्स होता है द ब्रांच ऑफ फिलोसफी जो डील करती है नेचर ऑफ आर्ट, ब्यूटी एंड टेस्ट से। फिर उन्होंने पॉलिटिकल फिलोसफी अपनी राइटिंग लिखी। फिर थियोलॉजी द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीफ होता है थियोलॉजी। कॉस्मोलॉजी ये होता है यूनिवर्स की ओरिजिन होने की थ्योरी को कॉस्मोलॉजी हम कहते हैं। एपिस्टेमोलॉजी ये होता है थ्योरी ऑफ नॉलेज एंड द फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज। प्लेटो एक पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड में पहली इंस्टीट्यूशन बनाई थी हायर लर्निंग के लिए। उन्होंने उसका नाम एकेडमी रखा था। ये पिक्चर देखिए आप, इसमें सब एक साथ बड़े हॉल में हैं और यहाँ पर एक डायलॉग वे में बात हुआ करती थी किसी भी टॉपिक पे, डिस्कशन टाइप। और ये है प्लेटो अपने स्टूडेंट्स के साथ, ये जो बीच में ये हैं प्लेटो। प्लेटो की ज़िंदगी में दो मेजर इवेंट हुए थे। पहला उनका ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेटिस से मिलना था। प्लेटो उनके डायलॉग और डिबेट से बहुत ही इम्प्रेस हुआ करते थे, जो फिर उन्होंने बाद में फॉलो भी किया था। दूसरा था द पिलोपनेशियन वॉर। ये एथेंस और स्पार्टा के बीच में एक वॉर हुई थी जिसमें एथेंस की हार हुई थी। एथेंस की हार जाने के बाद स्पार्टा ने डेमोक्रेसी की जगह ओलिगार्ची इस्टेब्लिश की थी एथेंस में। और जब ओलिगार्ची को हटा दिया गया था और डेमोक्रेसी को दोबारा ले आया गया था, तो प्लेटो ने अपनी लाइफ, अपना करियर पॉलिटिक्स में लगाया था। पर सोक्रेटिस के एग्जीक्यूशन के बाद उन्होंने अपना सारा करियर स्टडी एंड फिलोसफी की तरफ कर लिया था। तो सोक्रेटिस की डेथ के बाद प्लेटो 12 साल मेडिटेरियन रीजन में घूमते रहे। ये देखिए मेडिटेरियन रीजन है ये वाला, ये जितना मेडिटेरियन सी के आसपास है इसको मेडिटेरियन रीजन कहते हैं। और उन्होंने इसी दौरान मैथमेटिक्स पढ़ी पाइथागोरस इटली में। यहाँ देखिए ये इटली में पढ़ी, वो खुद ग्रीस के थे। ये यहाँ देखिए ग्रीस, यहाँ था एथेंस, यहाँ कहीं एथेंस था ग्रीस के पास, ग्रीस के अंदर। और ज्योमेट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, रिलीजन ये भी इन्होंने पढ़ा था। ये इन्होंने पढ़ा था इजिप्ट में, यहाँ देखो इजिप्ट। तो 12 साल वो पूरा इतना ट्रैवल करते रहे। देखे पहले ग्रीस से और इटली यहाँ गए, फिर ग्रीस से वो दोबारा इजिप्ट गए, इतना पढ़े, फिर दोबारा वो ग्रीस में आ गए थे। तो इतना उन्होंने ट्रैवल किया था। इसी टाइम कुछ स्कॉलर का ये कहना है कि ये जो तीन फेजेस हैं, इसको स्कॉलर ने तीन फेजेस में डिवाइड किया गया है, वो है अर्ली, मिडल एंड लेट पीरियड्स में। जो कि अर्ली पीरियड्स में उनका जो ट्रेवल का वो टाइम पीरियड था वो था 399 से 387 BCE। एक राइटिंग है प्लेटो की द अपोलोजी, कहा जाता है ये सोक्रेटिस की डेथ के बाद लिखी गई थी और उसी के आसपास उन्होंने ये प्रोटागोरस, ये सारी की सारी जो मैंने यहाँ पर मेंशन की हैं, ये उन्होंने सोक्रेटिस की डेथ के बाद लिखी थी। ये आयन, यूथाइफोरो, प्रोटागोरस, ईपीएस मेजर एंड माइनर, ये इन्होंने उनकी डेथ के बाद लिखी थी। और इसमें ये उन्होंने अपने टीचर की जो सोक्रेटिस हैं उनकी फिलोसफी टीचिंग को कन्वे करने की एक कोशिश की थी इन बुक्स में, राइटिंग्स में। मिडल पीरियड में
प्लेटो अपनी खुद के विचार लिखते हैं, वो लिखते हैं इस जस्टिस में, करेज में, विजडम में एंड मॉडरेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी पे। और इसी दौरान द रिपब्लिक भी लिखी गई थी, जब उनकी जो फेमस बुक है द रिपब्लिक वो लिखी गई थी इसी दौरान। लेटर पीरियड्स में प्लेटो मेटाफिजिकल के बारे में बात करते हैं, आइडियाज़ के बारे में जिन्हें वो आर्ट्स, डांस, म्यूजिक एंड ड्रामा, आर्किटेक्चर एज वेल एज एथनिक एंड मॉरिटी को भी एक्सप्लोर करते हैं। प्लेटो अपने राइटिंग द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में कहते हैं कि एक वो ही एक ऐसी चीज़ है जो कॉन्स्टेंट है, और वो है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़। इन 367 BCE, ये देखिए, प्लेटो वॉज इन्वाइटेड बाई डायन। वो एक डायन जो थे वो एक सिराक्यूज के एक रूलर थे पहले, पर अब नए रूलर इस्टेब्लिश होते हैं, जैसे हर होता ना एक राजा होता है, वो पहले एक राजा होता है फिर उसका बेटा राजा बनता है, ऐसे ही इनका नेफ्यू था डायनेसियस टू, जो एक नया रूलर बनने की उसमें था। तो उन्होंने उसको उसके टीचिंग के लिए प्लेटो को हायर किया था पढ़ाने के लिए उनको। तो डायन को लगता था कि डायनेसियस के अंदर एक एक आइडियल आदर्शवादी एक लीडर क्वालिटीज़ है। प्लेटो को उसके अंदर एक एक पढ़ा लिखा फिलोसोफर किंग देख रहे थे प्लेटो उनके अंदर, पर डायनेसियस को ऐसा लगा कि प्लेटो और डायन उनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं। फिर उन्होंने डायन को एग्जाइल पे भेज दिया और प्लेटो को हाउस अरेस्ट में रख लिया। प्लेटो किसी तरह बच बचा के अपने फ्रेंड्स की एड से एथेंस वापस आए और अपनी एकेडमी में वक्त बिताया, जहाँ उनका एक ब्रिलियंट स्टूडेंट एरिस्टोटल उनकी टीचिंग को अलग ही राह में ले जाने वाले थे बड़े होकर। ये था इनकी लाइफ के बारे में। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी गोना डिस्कस अबाउट प्लेटो फिलोसफी। टिल देन स्टे ट्यून। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।